हे गाइस, वेलकम टू अनदर डे। अभी हो चुका है सुबह का 6 बज रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग ने यहाँ पे नाइट स्टे किया था। रात में आपको दिखा नहीं पाया था क्योंकि हम लोग बहुत लेट से पहुँचे, 6 बज चुका था इसलिए आपको दिखा नहीं पाया। यहाँ पे देख रहे हैं आप, लकड़ीडा होम स्टे शो कर रहा है। यहाँ पे रुका था, यहाँ पे एक छोटा सा है लेकिन उसमें ही 2 रूम बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 रूम बनाए हुए, यहाँ पे ही हम लोगों ने नाइट स्टे किया। और अभी निकल रहे हैं डबल डेकर ब्रिज के लिए। यहाँ पे ठंडा भी थोड़ा कम है, वहाँ पे ऊपर में चेरापूंजी में ज़्यादा ठंड लग रही थी। यहाँ पे डाउन होने की वजह से क्या पता नहीं 3,500 स्टेप चल के नीचे आया हूँ, इस वजह से हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, नॉर्मल है, फिर भी मैंने जैकेट पहन लिया है। और यहाँ पे देख रहे हो आप, नीचे में भी हम लोग को लग रहा था कि नीचे में जाने के बाद डबल डेकर ब्रिज के पास नीचे में होम स्टे मिलेगा नहीं मिलेगा, थोड़ा डर डर लग रहा था। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे हर साइड में, ऊपर में भी देख रहे हो, यहाँ पे होम स्टे है बहुत सारा, आप रह सकते हैं। हम लोग को 1,000 रुपये पे करना पड़ा 1 नाइट का स्टे के लिए। और यहाँ पे भी हम लोग निकलेंगे डबल डेकर ब्रिज के लिए। आपको पीछे से दिखा दूँ कैसा सीन आ रहा है। तो यहाँ से देख रहे हो आप, ये जो आपको दिख रहा है, ये 2 खिड़की टाइप का जंगला टाइप का नज़र आता होगा, इसी में हम लोगों ने ये राइट वाले में नाइट स्टे किया और बगल वाले में अदर कपल्स है। देख रहे हो छोटा सा है लेकिन फिर भी ठीक बना है। और यहाँ पे आपको बाथरूम भी अवेलेबल है, बाथरूम वाशरूम दोनों है। और यहाँ से भी जो सीन आ रहा है ना, काफ़ी कमाल का सीन आ रहा है। ये देख रहे हो आप, इधर में गजब का सीन है। नीचे में फॉल का भी आवाज़ आ रहा है, फॉल बह रहा है नीचे में इस वजह से। और यहाँ का भी सीन कमाल है। तो निकलते हैं डबल डेकर के लिए क्योंकि लेट भी हो जाएगा, फिर मिलते हैं आगे। यहाँ पे देख रहे हो आप, एक और हम लोग को फॉल नज़र आ रहा है डबल डेकर रूट ब्रिज के लिए जाने में। यहाँ पे आप देख रहे हो सामने में एक और फॉल है, पता नहीं वो फॉल तक आदमी जा पाता है कि नहीं, जाने का रास्ता भी है कि नहीं। खैर, अभी तो हम लोग को जाना है डबल डेकर रूट ब्रिज के लिए और हम लोग निकल चुके हैं होम स्टे से। इधर में चले, यहाँ पे देख रहे हो शो कर रहा है रेनबो वाटरफॉल 1 आवर फ्रॉम हियर, कीप योर सराउंडिंग क्लीन एंड क्लियर, ग्रीन एंड क्लीन। यहाँ पे देख रहे हो रेनबो फॉल्स, जो कि 1 आवर यहाँ से और हम लोग को आगे भी निकलना है। रेनबो फॉल को हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि दूर पड़ जाता है, यहाँ से 1 घंटा और जाना बहुत दूर होगा। और सामने में देख रहे हो यहाँ पे भी फॉल बह रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी पैर में मेरे दर्द अभी तक है, रात का दर्द गया नहीं, चल नहीं पा रहे हैं सही से, इतना स्टेप चल के आना और अभी तो जाना बाकी है। यहाँ पे आप देख रहे हो फॉल। सो आ चुके हैं अभी हम लोग डबल डेकर रोड ब्रिज के पास। ये देख रहे हो एक ब्रिज यहाँ पे है और एक ब्रिज यहाँ पे है, यही है डबल डेकर रोड ब्रिज। तो देख रहे हो यहाँ पे ये रहा रूट, ये पेड़ से देख रहे हो आप, एक ही पेड़ से दो दो ब्रिज बना हुआ है। सो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये फॉल टाइप का बहता हुआ और यहाँ से ये रहा सीन, अद्भुत है यार, अमेजिंग। डबल डेकर रूट ब्रिज देख रहे हो, खुद में एक अलग ही चीज़ है ये रूट ब्रिज, जो कि आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये मेघालय का ही चीज़ है, गजब का रूट से बना हुआ ये ब्रिज, डबल डेकर रूट ब्रिज, अद्भुत लग रहा है यहाँ से। चलते हैं फर्स्ट ऊपर वाले रूट ब्रिज पे। यहाँ से देख रहे हो आप, रूट बना हुआ पूरा और ये रहा इधर से ब्रिज। तो देख रहे हो रूट किस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे ये रूट ब्रिज, ये रहा अमेजिंग सीन है यहाँ से। तो गाइस देख रहे हैं यहाँ पे का सीन कमाल का आ रहा है, ये डबल डेकर रूट ब्रिज। यहाँ पे देख रहे हैं फॉल बहता हुआ आ रहा है पीछे में और इस साइड में पड़ जाता है ये डबल डेकर रूट ब्रिज, कमाल का जगह है ये। देख रहे हो आप यहाँ पे गजब का बना हुआ है ये, आप देख रहे हो रूट से
पूरा बना हुआ लग रहा है जैसे कि रूट बना ही ब्रिज के लिए है। ये देख रहे आप, लग ही नहीं रहा ये रूट से बना हुआ ब्रिज एकदम। इसको इस तरह से सेट किया गया होगा, हजारों साल पुराना ये ब्रिज है और खुद में एक अद्भुत चीज़ है ये, वंडरफुल सीन। यहाँ पे आप देख रहे हो बीच बीच में ये आपका तख्ता डाला हुआ था कि चलने में आसानी हो, नहीं तो नीचे में भी देख रहे हो आप ये जो रूट आ रहा है, ये आपका रूट इस टाइप में पूरा जा रहा है, इधर में पूरा राउंड बना हुआ है और काफ़ी अच्छा ब्रिज बना हुआ है। आपको डर भी नहीं लगेगा इसमें, सिंगल डबल डेकर तो थोड़ा हिल भी रहा था लेकिन ये तो ज़्यादा हिल भी नहीं रहा है और नॉर्मली आप यहाँ पे क्रॉस कर जाते हैं। वैसे यहाँ पे देख रहे हो आप रूट कनेक्ट है, यहाँ से निकला हुआ है। ये एक पेड़ से आप देख रहे हो, ये जो पेड़ है एक पेड़ से सिर्फ बीच से आपको इस साइड से दिखा दूं, ये देख रहे हो आप एक पेड़ नीचे से सिर्फ निकला है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पेड़ सिर्फ निकला है और एक पेड़ को बीच से एकदम फाड़ता हुआ ये ब्रिज बन गया, रूट ब्रिज। देख रहे हो आप एक ब्रिज इधर में हो गया, एक ब्रिज नीचे का पार्ट से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ये फॉल हजारों साल पुराना है लेकिन शानदार सीन है। बहुत बहुत ही पॉपुलर जगह है ये मेघालय का डबल डेकर रूट ब्रिज, क्योंकि इसी को देखने के लिए आदमी 3,500 स्टेप उतर के यहाँ तक आते हैं, नाइट स्टे करते हैं और इसी के लिए मैंने भी आया यहाँ पे सिर्फ रूट ब्रिज डबल डेकर रूट ब्रिज देखने के लिए। आप देख रहे हो कमाल का है। तो गाइस देख रहे हो यहाँ पे एक आइसक्रीम और यहाँ पे मछली है पानी के अंदर, बहुत सारी मछली यहाँ पे आप देख रहे हो। और ये रहा इधर से डबल डेकर रूट ब्रिज, यहाँ पे आपको स्टॉल भी देखने को मिल जा रहा है जो कि आपको खाने के लिए चाय कॉफ़ी चाउमीन के लिए मिल जा रहा है। और ये देख रहे हो आप डबल डेकर रूट ब्रिज का कमाल का सीन आ रहा है यहाँ पे। आइए चलते हैं देखते हैं आगे से। यहाँ पे भी देख रहे हो बहुत सारा मछली है यहाँ पे, ये देख रहे हो बहुत सारा मछली है यहाँ पे। और ये रहा डबल डेकर रूट ब्रिज, देख रहे हो किस तरह से रूट से बना हुआ है ये ब्रिज, आप देख रहे हैं यहाँ पे कमाल का सच में। ये देख रहे हो आप यहाँ पे देख रहे हो रूट निकला हुआ और यहाँ से बना हुआ ये ब्रिज नीचे से, मुझे ऐसे लग रहा है रूट किस तरह से बना हुआ है रूट के लिए भी। यहाँ से पानी बहता हुआ यहाँ से आता है दोनों, tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not.
drawing why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
सो गाइस निकालते हैं अब डबल डेकर रूट ब्रिज से, कैसा लगा कमेंट करके बताओ। और जो चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह के एडवेंचर्स आपको मिलाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा आपको घर बैठे बैठे। कमाल का लग रहा है यहाँ पे डबल डेकर रूट ब्रिज, निकलते हैं अभी, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। हम लोग लगभग 5:30-6 बजे के आसपास में आए थे यहाँ पे और अभी टाइम लगभग 7:30 के लगभग होगा, क्योंकि घर वॉच लेके आया हूँ नहीं मैं, जल्दी जल्दी मैं निकला सुबह, इसलिए वॉच छोड़ दिया हूँ। और यहाँ पे देख रहे हो कमाल का डबल डे का रूट ब्रिज लगा। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 8:30 और हम लोग चेकआउट कर रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं इसमें नाइट स्टे किया था होम स्टे में। और 8:30 हो चुका है, यहाँ से भी निकलते हैं क्योंकि ऊपर जाना भी है और 3,500 स्टेप फिर से चलना है, तो लगभग 3 घंटा लगेगा हमको यहाँ पे। फिर मेरा डंडा है तैयार और हम लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से, रूम से चेकआउट कर चुके हैं ऑलरेडी, निकलते हैं फिर। और बहुत कुछ रात में छूट गया था, जो ऐसे कि डबल रूट ब्रिज जो है आपका है वो फिर से अभी दिखा दूंगा, दिन का सही आएगा क्लियर। और रात में वो आयरन ब्रिज दो था जो कि अंधेरा होने की वजह से हम क्लियर दिखा नहीं पाए थे, तो उसको भी अभी कवर करते हैं चलते हैं। तो आइए चलते दिखाते हैं आपको फिर आगे। सो गाइस बढ़ते अभी आगे और यहाँ पे देख रहे हैं एक और रूट ब्रिज था जो कि रात में अंधेरा होने की वजह से दिखा नहीं था आपको। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे भी एक रूट ब्रिज है जिसको चल के अभी हमको आगे बढ़ना है, ये दिखा रहा हूँ आपको। ये देख रहे हैं आप, ये ब्रिज था, रूट ब्रिज है ये भी, जो कि रात में नहीं कवर कर पाया क्योंकि अंधेरा हो चुका था टोटली। यहाँ पे भी कमाल का सीन है, इस साइड से बढ़ते हैं अभी हम आगे। इधर भी कमाल का, ये देख रहे हो इतना बड़ा पहाड़ है, पत्थर है और इसके बीच से भी हमको निकलना है, अगर ये गिरा तो क्या होगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे भी कमाल का लग रहा है ना गाइस, बहुत सपोर्ट करता है ये डंडा जो है ऊपर चढ़ने में, आपको नीचे उतरने में भी बहुत सपोर्ट किया था और ऊपर चढ़ने में भी सपोर्ट देता है क्योंकि आपको लोड ज़्यादा नहीं पड़ता है पैर पे डायरेक्टली, और काफ़ी अच्छा है डंडा। आओगे यहाँ तो डंडा लेना मत भूलना, बहुत ही काम का चीज़ है ये, 20 रुपये का डंडा देता है लेकिन काम बहुत आता है। यहाँ से भी हम बढ़ते हुए नीचे की तरफ और यहाँ पर एक आयरन ब्रिज है जो कि रात में आपको नहीं देखा पाया था, अंधेरा हो चुका था टोटली, तो यहाँ से उतरते नीचे फिर दिखाते आपको। ये सामने में आयरन ब्रिज है, ये देख रहे हैं आयरन ब्रिज यहाँ पे, और यहाँ का भी सीन काफ़ी कमाल का है। इधर से बढ़ते हम आयरन ब्रिज की तरफ, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये रहा एक आयरन ब्रिज, ओह कमाल का है, चलते हैं इस पे, ये काफ़ी इजली इस पे चलना और ब्रिजों से। मज़ा आ रहा है आयरन ब्रिज पे चल के, यहाँ पे खूब जंप कर रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हो मज़ा आ रहा है। और निकलते हम आयरन ब्रिज से, चलते फिर आगे। सो गाइस आ गए अभी सेकंड आयरन ब्रिज के पास, ये देख रहे हो आप, ये भी दिखाया था लेकिन वहाँ पे अंधेरा था बहुत, कल शाम में जब क्रॉस कर रहा था तो सही से दिखा नहीं पाया था, इसलिए आपको अभी रिटर्निंग में फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे थोड़ा सेफली चलने का है, वैसे तो आप गिरोगे नहीं क्योंकि दोनों तरफ कवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सेफली चलने का है। और यहाँ पे आपको डंडा ना यूज़ करें तो अच्छा है क्योंकि डंडा फंस सकता है इस गैप में। और बाकी अभी हम चलते हैं, थोड़ा पैर को चौड़ा चौड़ा करके चलना पड़ेगा क्योंकि डर डर थोड़ा लगता है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं इसमें डरने का है नहीं, फिर भी थोड़ा ये हिल रहा है तो थोड़ा डर लगता है। और यहाँ पर देख रहे हो यहाँ का भी सीन कमाल का है नीचे में, बढ़ते हैं अभी इधर से आगे। दिस इज सेकेंड आयरन ब्रिज, ओह सॉलिड जंप कर रहा है यार, जंपिंग जपा देख रहे, यहाँ पे थोड़ा डैमेज, थोड़ा सेफली आप चलोगे बाकी वैसे आपको कुछ होगा नहीं। निकल गया फिर आयरन ब्रिज, यहाँ का सीढ़ी देख रहे हो आप,
ऐसे ही पूरा सीढ़ी पे चढ़ना है, अभी बहुत ऊपर तक जाना है। और सीन भी कमाल का यहाँ पे है ना, बढ़ते फिर आगे। सो गाइज आ चुका हूँ फाइनली नोंगरी हाट से टेंगड़ा विलेज। बुरा हाल हो गया सीढ़ी चढ़ चढ़ के नीचे से, और फाइनली पहुँच चुके ऊपर। आ चुका हूँ फाइनली, निकलते हैं यहाँ से। टोटली भीग चुका हूँ यहाँ पे अभी, और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आवाज़ भी नहीं निकल रहा अभी मेरा, देख रहे यहाँ का सीन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।